हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुभा एंड आई वेलकम यू टू माय पैच ऑफ हेवन। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये एक अपने इंडोर प्लांट्स के लिए शेल्फ़ बनवाई है। इसमें मैं अपने प्लांट्स अरेंज करूँगी तो ऊपर वाली शेल्फ़ में तो लाइट आती है विंडो से, ऊपर वाले जो दोनों शेल्फ़ हैं तो, लेकिन जो नीचे वाली शेल्फ़ है उसमें लाइट नहीं जा पाती है विंडो से। तो मैं उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। देखिए, मैंने वॉल में ये एक सेल्फ एडहेसिव स्टिकर लगाया है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी मैं आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पे लगाऊंगी इस शेल्फ़ में उसको ये रिफ्लेक्ट करके लाइट को और बढ़ा देगा, इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा। ये देखिए मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये इस तरह से आता है, ये वॉलपेपर के जैसा होता है, सेल्फ एडहेसिव होता है, इसमें स्टिकर लगा होता है। इसे हटा के हम वॉल में लगा देते हैं। और ये मैंने किचन के लिए मंगवाया था लेकिन मैंने उसमें यूज़ नहीं किया, तो बाद में मेरे पास में मुझे रखा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसको इस वॉल में लगा देती हूँ और इससे लाइट जो इंटेंसिटी होती है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ये मिरर की जैसा काम करेगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसमें जो भी लाइट पड़ेगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये वो लाइट प्लांट्स को के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए, मैंने इसको इस लगा दिया, मैंने खुद ही लगाया है इसलिए थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं लगा है। ये देखिए, ऊपर से तो इसमें लाइट विंडो में ऊपर वाली शेल्फ़ में आ जाएगी और नीचे वाली शेल्फ़ में जब मैं आर्टिफिशियल लाइट लगाऊंगी तो उनका रिफ्लेक्शन से और इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अमेज़ॉन से ग्रो लाइट्स मंगवाई हैं। ये देखिए, इस बॉक्स में आई हैं और ये सिटी ग्रीन्स की हैं ग्रो LED ट्यूब लाइट्स। तो लेकिन ये प्रॉब्लम एक हो गई है कि इसमें ये 4 फीट की है और जब मैंने मंगवाई थी तो उसमें लेंथ नहीं लिखी हुई थी ये कितनी लंबी हैं। ये ज़्यादा लंबी आ गई हैं और जो मेरी ये मैंने शेल्फ ये बनवाई है ये 3 फीट की ही है। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे वापस नहीं करूँगी, मैं इसको लगाऊँ तो ये थोड़ी सी आगे यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी, तो इसके नीचे मैं यहाँ पर कोई प्लांट भी रख सकती हूँ तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके नीचे यहाँ पर इसको लगा दूँगी, लाइट को यहाँ लगा दूंगी और ये थोड़ी सी आगे ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी तो मैं उसके नीचे भी प्लांट रख दूंगी। कोई तो डबल फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे भी प्लांट हमारी लाइट लेंगे और नीचे जो प्लांट्स रखे हैं वो भी लाइट लेंगे और जो ऊपर ये विंडो है यहाँ से इस वाली शेल्फ में जो भी प्लांट रखे हैं उनको यहाँ से लाइट मिलेगी और जो ये वाली शेल्फ में प्लांट रखे हैं उनको भी बाहर से लाइट मिलेगी। और मैं यहाँ पर वही प्लांट लगाऊंगी जिनको कि ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, कम लाइट में ही अच्छे से चल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बाद में देखूंगी, अगर यहाँ प्लांट अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी एक ग्रो लाइट मंगवा लूंगी। मैंने एक्चुअली एक और सेलर से बात की है तो मैंने उनसे पूछा है कि अगर वो 3 फीट में दे पाएं तो वो 3 फीट में देने के लिए लाइट तैयार हैं, लेकिन उनकी बस यही है कि वो 2 सेट देंगे, यानी कि 4 पीस से कम नहीं देंगे। तो मेरी उनसे अभी बात चल रही है तो मैं शायद ऑर्डर देके फिर 3 फीट की भी लाइट मंगा लूंगी तो वो यहां पे आ जाएगी। और जो मेरी बाकी की शेल्फ हैं जो मेरे ड्राइंग रूम में रखी हुई है और एक दूसरे बेडरूम में रखी हुई है वो भी उसकी भी 3 फीट है ये, तो मैं उनमें भी लगा सकती हूँ लाइट। तो यहाँ पे ये लाइट्स हैं, मैं इनको बताती हूँ। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 के सेट में ही ये लाइट देते हैं, 2 से कम ये लाइट नहीं देते हैं। तो जो ये लाइट है इनमें ये कनेक्टर लगे होते हैं आपस में। तो फ्रेंड्स, ये कनेक्टर है, इसमें इसको एक के अंदर एक डाल के इस तरह से कनेक्ट करेंगे और दूसरी वाली रॉड को भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और ये देखिए, मेन स्विच मैंने लगा दिया है इसमें। तो अब मैं इन रॉड में ये क्लिप्स दिए होते हैं जिनको आप जहां पे भी आपको लगाना हो पहले आप उनको किसी स्क्रू से ऐसे लगा देते हैं ऊपर, उसके बाद ये रॉड्स उसमें ऐसे फंस जाती हैं। लेकिन मैं कुछ भी ड्रिल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं ड्रिल कर नहीं पाऊंगी और मैं किसी के हेल्प के बिना ही ये सब काम करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे एक डबल साइडेड टेप लगा दूंगी और जो अच्छी क्वालिटी का डबल साइडेड टेप आपको लेना है अगर आप भी ऐसे कुछ करना चाहें तो बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे। ये 3M कंपनी है, ये बहुत अच्छा इसका होता है। मैंने जो अपनी बाकी शेल्फ में जो नॉर्मल LED लगाई हैं वो भी इसी से लगाई हैं। तो इन टेप को हम लगा देंगे इनके पीछे और फिर इसको यहाँ पे ऊपर लगा देंगे, इसके चिपका देंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तुमको यहाँ पे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो ये सिल्वर फॉइल लगाई हुई है, जो मैंने ये सिल्वर वॉलपेपर लगाया है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके कितनी ज़्यादा लाइट हो गई है यहाँ पे, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है इस लाइट का। तो जो प्लांट पीछे दीवार के साइड में भी होंगे उनको भी ये रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट मिलेगी, उनकी साइड्स पर भी लाइट मिलेगी और ऊपर से तो लाइट आ ही रही है। तो मैं इस तरह से प्लांट यहाँ पे रख दूंगी और मेरी प्लांट होपफुली बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम कोई शेल्फ रखते हैं विंडो के नीचे तो ऊपर वाली जो शेल्फ होती है उनको तो लाइट मिल जाती है, लेकिन हमेशा नीचे वाली शेल्फ में सोचते हैं कैसे कौन से प्लांट रखें, उन्हें कैसे अरेंज करें, क्योंकि नीचे उनको लाइट नहीं मिल पाती। तो इस अरेंजमेंट से यहाँ पे लाइट मिल जाएगी और जो जितनी एक्स्ट्रा ये यहाँ पे लाइट आई हुई है, यहाँ पे नीचे भी मैं कोई एक प्लांट रख दूंगी और वो भी अच्छे से सर्वाइव होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे फिलोडेंड्रॉन्स रखूंगी अपने, तो मैं थोड़ा सा सेटअप करके भी आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अरेंजमेंट ये देखिए कुछ ऐसे लग रहे हैं प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, और नीचे जो ये लाइट लगाई है ये मैंने फिलोडेंड्रॉन्स रखे हैं कुछ ये प्लांट्स। इसमें पीछे भी अब रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीछे भी बहुत अच्छे से लाइट आ रही है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है और अभी इनको कुछ चेंज करती रहूँगी मैं, देखती रहूँगी कि कौन से प्लांट और अच्छा यहाँ पे करेंगे या कौन से अच्छा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से एक प्लांट रख दिया है और ऊपर ये देखिए ये प्लांट रख दिए हैं मैंने कुछ। देखिए मनी प्लांट है सारे, नियॉन पोथोस, एंजॉय और मंजुला। इनकी लीफ के वेरिएशन देखिए, तो ब्यूटीफुल वेरिएशन है। और ये इनका ग्रोइंग सीजन होता है तो मैंने इन्हें अभी मॉस्टिक में लगाया था, मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, कटिंग तो मैंने लास्ट ईयर लगाई थी लेकिन फिर मैंने उनको रिपोर्ट नहीं किया। अब ये देखिए इनकी कटिंग मैंने मॉस पोल में इस तरह से लगा दी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।